बयान इशू कराने आए हैं जो बीजेपी एमएलए राजा सिंह के खिलाफ है। हाल ही में सिंह कम्युनिटी के ऊपर कुछ वर्गल लैंग्वेज यूज़ करे थे, गाली गलौज करे हैं और हर वक्त इंतजार पैदा करना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कमेटी के ऊपर जो है तो आज हिंदू मुस्लिम एकता को लोग बर्बाद करना चाह रहे हैं और हाल ही में उनका बयान आया है कि हथियार लेकर रखो, मुसलमानों के साथ टोकियों से कुछ खरीद रखो। हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, 1400 साल का इतिहास है उनके बोल रहे हैं। ये चीज़ आज जो है सो डी सी के साथ हाल ही में कॉर्डन टच रखे थे हथियारों का पकड़ रहे, ये लोग जो है सो हथियार खरीदो कर इसके ऊपर डी सी के साथ क्या एक्शन लेंगे, कमिश्नर पुलिस क्या एक्शन लेंगे। और मैं खासतौर पर सी एम साहब से और होम मिनिस्टर साहब से ये अपील करता हूँ कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और ऐसे जो राजा सिंह जैसे एमएलए है इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और आज तक इतने केसेस पेंडिंग है, इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? आखिर क्या है, एक एमएलए जो बीजेपी का एमएलए है आप लोग इससे डर रहे हैं? अरे ये कौन सी हुकूमत है और ये कौन सी पुलिस है जो एक एमएलए जो एक बुद्ध कमेटी के ऊपर इतने वल्गर लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, गाली गलौज कर रहा? आप हुकूमत आपकी है, केसीआर साहब की हुकूमत आप रखते हुए जो है सो आपका हर चीज से पावर है, आप एक एमएलए को अरेस्ट नहीं करा सकते। एक एमएलए के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, शायद आज ये इतिहास होना कि बीजेपी के ऊपर और राजा सिंह के ऊपर एक सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, उसके ऊपर केस बुक कराया जाए और उसको रिमाइंड कराया जाए।